मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और यहाँ इस उमस भरी गर्मी में देश के तमाम वो किसान इकट्ठा हुए हैं और अपनी उन मांगों को लेकर यहाँ एकजुट हुए हैं जो हर किसी किसान को अब झेलनी पड़ रही है। किसी के खेत से लंबी लंबी हाई टेंशन वायर निकल रही हैं, किसी के खेत से पाइपलाइन गुजर जा रही है, वो तमाम इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मेरे पीछे। मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से आए हैं? हम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, ऋषिपाल सिंह। अच्छा, जय जवान जय किसान जी। सरकार को बता देना चाहते हैं कि सरकार सोने से पहले जवान को याद करे और भोजन से पहले किसान को याद करे, और किसान बचेगा तो देश चलेगा। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं हमारी हाई टेंशन लाइन की, और ये जो नीचे पाइप बिछा रखा है इसका सरकार बिल्कुल जायज मुआवजा दे, और उस मुआवजे के साथ सरकार जब तक किसान की बात नहीं करेगी, जब तक यहाँ से आंदोलन कर्नाटक के साथ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सम्मिलित हुए हैं, तमिलनाडु के साथ में, तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से किसान यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं, और तमाम आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार किसान की बात नहीं मान लेती है, तब तक आंदोलन चलते रहेंगे। पूरे प्रांतों में, पूरे देश में आंदोलन के साथ चलेगा। किसान जागेगा तो सरकार को बताएगा कि किसान की समस्या इस उमस में, इस भीड़ में, इस गर्मी में किसान इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टरों से ये बताइए, जब ये चीज़ें की एक सरकार की वो लाई थी, योजना लाई थी, जिसमें जो यूनिपोल का उसका जो स्पेस था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, जो काफ़ी एरिया घेरता था, लेकिन उसके बावजूद अब एक ये इन्होंने कम एरिया, ऐसा एक स्कीम वो लाए जो पोल जो है वो कम स्पेस घेरेगा और वो अपनी जगह खड़ा हो जाएगा, जो कि ये बात करते थे जापान की टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ रह गई फिर? ये हमारा जो पोल है इसका विरोध है, मतलब जो भी काम हो अंडरग्राउंड होना चाहिए, और अंडरग्राउंड में भी जो फसल किसान की है उसका मुआवजा होना चाहिए, और वो मासिक होना चाहिए, मुआवजा भी मासिक हो ताकि उसका मतलब आमदनी साल की वार्षिक बनती रहे। और ये जो तमाम आज खेतों में हाई टेंशन लाइन के उचके से खड़े कर दिए ना, ये उचके से नहीं होने चाहिए थे, इन पर लोड बढ़ाना चाहिए था और इन पर लोड डालना चाहिए था, और फिर अंडरग्राउंड लाइन बननी चाहिए थी। अंडरग्राउंड, अच्छा, इसमें भारतीय किसान यूनियन के भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनसे हम जानेंगे। आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं मुरादाबाद से हैं, डॉक्टर नौसिम, भारतीय किसान प्रदेश महासचिव। दरअसल में सरकार कहती कुछ है करती कुछ है जी, ऐसी झूठी और निकम्मी सरकार ही नहीं देखी। 2022 तक किसान की आय दुगनी करने की बात करती है, किसानों के जहां तहां विदेशी कंपनियां ला रही हैं और उसका जो भूमि अधिग्रहण कर रही है उसका सही मुआवजा नहीं दे रही। बिजली हाई टेंशन कोई भी तार है किसी तरीके का, पहले किसान से सरकार बात करे, उसके बाद में चाहे गैस पाइपलाइन हो चाहे तारों की बात हो, बहरहाल किसान से संपर्क करने के बाद में तब उसके बाद में आगे कदम बढ़ाए। अच्छा, इससे नुकसान क्या है आप बताइए? जैसे जो हाई टेंशन तार खेत के ऊपर से गुजरते हैं उनसे क्या नुकसान है, क्या वजह है? मैं डॉक्टर चरण सिंह, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन मुरादाबाद से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे कई प्रांतों के किसान यहाँ इकट्ठा हैं दिल्ली में, और हमारी एक मांग है कि बिजली विभाग जो किसान के खेत में अपनी लाइन निकालता है, खंभा गाड़ता है, उससे अगर किसी किसान के पास 5 बीघा ज़मीन है, उसमें एक खंभा खड़ा कर दिया, तो उसकी 5 बीघा ज़मीन नष्ट हो गई, वो किसी काम की नहीं रहती, उसकी कीमत चली जाती है। हमारी मांग है सरकार जहाँ भी लाइन निकाले, चाहे अंडरग्राउंड निकाले या पोल खड़े करें, उसका किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। लगातार 10-15 साल से हम छुटपुट ये मांग उठा रहे थे, आज सारे प्रांत दिल्ली में इकट्ठा हैं, और आज सांकेतिक हमारा आंदोलन है, अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो पुरजोर से पूरे उग्र तरीके से दिल्ली को घेरा जाएगा और इस पर अमल कराया जाएगा। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अमरोहा जी, यूपी से, डूंगर सिंह जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी। हमें तो जानकारी मिली, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने दी कि ऐसे हैं, इस तरह से तमिलनाडु के किसान परेशान हैं, कई दिन से धरना दिए हुए हैं, उनकी मदद में चलना है, अब तो थोड़ी संख्या में वहाँ से चले हैं, अगर आदेश होगा राकेश टिकैत जी का तो बहुत भारी संख्या में आया जाएगा। लाइन की बात है, हाई स्टेशन लाइन की, पाइप लाइन की, इससे अगर आपके खेत में ये हमारे खेतों में ये लाइन बन गई तो उसमें हम मकान भी नहीं बना सकते, नीचे लाइन बीच पाइप लाइन बीच की फिर मकान नहीं बना सकते, तो हमारा पुरजोर विरोध है। मुआवजा हम इन्हें 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, ये सड़क के किनारे किनारे पाइप लाइन काटे तो, वैसी लाइन हाईटेल लाइन बनाए तो,
ये सड़क के किनारे रास्ते के किनारे गाड़ है, हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने के, क्योंकि अब किसान नहीं, अगर सरकार मुआवजा देने की बात करते हैं तो फिर क्या अपनी पूरा उचित मुआवजा जितने उस नंबर है 5 एकड़ का 2 एकड़ का, हमें पूरे नंबर का मुआवजा चाहिए। हमारा तो पूरा नंबर बेकार हो गया वो ना, अब उसमें मकान नहीं बना सकते, दुकान नहीं बना सकते, तो हमें पूरे, हाँ जी, पूरे उस नंबर की हमें बिल्कुल उसका मुआवजा चाहिए। यूनिपोल यानी जो पोल खड़े किए गए हैं बिजली के हाई टेंशन वायर के, उन पोल्स के द्वारा फसल का नुकसान हो रहा है, किसान अपनी जमीन का उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, ऐसे में जो स्थिति है वो किस तरह की हो चुकी है और किसानों को क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ हैं किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताएंगे क्या स्थिति है अभी और स्थिति यह है कि जब हमारी खेतों पे हाई टेंशन लाइन निकाली जा रही है तो उसमें हम जो है अपने बड़ी फसल जैसे कि पेड़ वगैरह लगाने हैं, पेड़ वगैरह की फसल नहीं ले सकते। जैसे गन्ने की हाईटेक वैरायटी आ गई है 0238 है, उस फसल को करते हैं तो उसमें आग लग जाती है। गेहूँ की फसल करते हैं उसमें अगर लाइन जाती है तो लाइन के बाद में अगर फसल पक चुकी है उस टाइम पे अगर चिंगारी वगैरह गिर जाती है तब आग लग जाती है। तो इस तरह से हमारा पूरा खेत बेकार हो जाता है अगर हाई टेंशन लाइन जाती है। तो इस वजह से हम जो है इसका हाई टेंशन लाइन का पूरी तरह से पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और इसको अपने खेतों में से निकलने के लिए पूरी तरह से रोक लगवाना चाहते हैं। अगर सरकार इसे अंडरग्राउंड करना चाहे या कुछ इस तरह से तो क्या आपकी सहमति होगी? अंडरग्राउंड भी हो तो कम से कम 5 फीट नीचे हो, जिससे कि हमारे लिए कोई दिक्कत ना आए, पेड़ों वाली फसल पूरी तरह से हो सके और हमें खुदाई जुताई वगैरह में या पाइपलाइन अपनी निकालने में जिसमें हम पानी का निकास कर सकें जो कि 3 फुट पे निकलती है वो निकल सके, तब हम 5 फुट की अगर गहराई पे निकालते हैं तो उसको हम निकलने देंगे नहीं, अन्यथा नहीं निकालने देंगे। उसके साथ भी हमें मुआवजा चाहिए पूरी ज़मीन का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों ने जाहिर तौर पर अपनी समस्या रखी है और सरकार से उम्मीद की है कि जो उनके खेतों से उनकी ज़मीनों से जो हाई टेंशन की वायरें गुजरेंगी उनका उस ज़मीन का जो सरकार यूज़ करेगी उसका उन्हें मुआवजा, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि किसान जो उनकी फसल जो बेकार हो जाती है, जो ज़मीन किसी काम के लायक नहीं रहती, उसका कहीं ना कहीं उन्हें मुनाफा मिल सके और वो अपना जीवन यापन सही से कर सके। जंतर मंतर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम्स।